जान रहा तुम मन तेरे लेके सटेट दुनिया जान रहा वैसे जान रहा सुनो पिछला पला अब तेरी मां मरी आयो मम 40,000 तेरी मां मरी अभी कल परसों आगो मन मम्मन नु बता दे मैंने फोन ना करो जी हार जाए मम्मन कोई दादा ही लाई है कहीं कैसे भाई दादा ही लाई ना काई की भी जो बढ़िया काम करेगा वो लोट पे लगे पब्लिक बोक देगी वैसे मम्मन के अलावा कोई भी टिकट ले देखा है कांग्रेस हम वोट उसको करेंगे तुमता के बीच में गांव में आते कि नहीं आते मम्मन नहीं अभी तक तो कोई कभी नहीं आया यहां बसी खजाना में नहीं आए तो नहीं देखा कभी पहाड़ में रहता है इसके पास गया होगा पहाड़ में हमारे गांव छोड़ के पहाड़ में गया होगा अच्छा वहाँ पे रहता गांव में नहीं आता है नहीं गांव में नहीं आता भाई साहब भाई देख हाँ। पता कर सकते हैं ये तो नया की वोट भी ना हुआ हाँ। दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूँ आपके साथ रिजवान खान फिरोजपुर झिरका विधानसभा के गाँव बसी खानजादा में हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ एक दुकान है यहाँ पर बहुत सारे नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद है इन सबसे बात करेंगे कि अब की बार फिरोजपुर झिरका विधानसभा का चुनावी समीकरण क्या है किन किन मुद्दों को लेकर के अब की बार युवा वोट करने वाले हैं इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हाँ जी क्या नाम है इधर आ जाइए असलम असलम अच्छा असलम ये बताएं कि अब की बार मुद्दे क्या हैं आप लोगों के और किसको वोट करने वाले हैं मुद्दा तो यह है जी हम चाहते हैं बदलाव हरियाणा में हाँ सरकार बदलाव चाहते हैं कांग्रेस का ठीक है और अपने झिरका विधानसभा में भी हम बदलाव चाहते हैं कैंडिडेट का तो कौन कैंडिडेट ऐसा है जो सही काम कर सकता है देखो ऐसा है अभी कई कैंडिडेट जो अपने विधानसभा में अभी मौजूदा तो MLA हमारे मम्मन खान है लेकिन अब कांग्रेस का टिकट मांगने में कई और लाइन में है मोहम्मदी भी है निहा भी है हबीब भवन नगर भी है इनमें से मम्मन के अलावा कोई भी टिकट लेकर आता है कांग्रेस हम वोट उसको करेंगे तो मम्मन से नाराजगी क्या है क्योंकि मम्मन का तो क्रेज चल रहा है पूरी मेवात में मम्मन का कोई क्रेज नहीं है मम्मन का जमीन लेवल पे आके अगर कोई चीज देखी जाए तो मम्मन का कोई क्रेज नहीं मम्मन ने काम कौन सा करा दिया क्रेज होता है काम का वो बोल रहा है सत्ता में हम नहीं थे वरना युवाओं को भी लगवाते रोजगार भी दिलवाते सड़कें भी बनवाते ऐसे नहीं है एक विधायक अगर बनता है तो अपने विधायक के कोटा से वो जो काम करा सकता है अपने विधानसभा में ये इनके हमारे हर बेर के सबका ही नसीब रहा 10 साल उसका भी यही बहाना था कि मेरा सरकार नहीं है मैं ये करा देता अब मम्मन बन गया तो उसने भी ये बोल दिया कि मेरी सरकार नहीं थी मैं ये करा देता भाई तुम्हारा जो विधायक का कोटा आता है और अपने इलाके के लिए तो मांग उठा के भी आदमी ला सकता है किसी चीज लेकिन ये तो खाली अपने ये बहाना लगाते हैं हर बेर ये बताएं कि चल ठीक है उन्होंने काम नहीं कराए लेकिन उनका कहना ये तो है कि भाई मैं कौम के खिलाफ कौम के साथ लड़ता तो हूँ कौम के साथ खड़ा तो रहता हूँ ऐसा बाकी और तो कोई नेता नहीं है किस चीज पे लड़ा किस चीज पे लड़ा सबको पता है जेल गए हैं वो अपनी कौम के खातिर नहीं ये अपनी कौम के खातिर जेल नहीं गए कौम को तो इन्होंने जेल में धकेला है कौम को और हमारी मेवात को इन्होंने 20 साल पीछे धकेल दिया कैसे ये दंगा करा के थोड़ी कराया था बोला कि मैंने नहीं कराया दंगा दंगा इन्होंने कराया इनकी साजिश थी दंगा कराने में इनको अपनी राजनीति चमकानी थी इनको आगे आने वाले टाइम में डर था कि ऐसा ना हो कभी पब्लिक तुमको ग्राउंड से बाहर फेंक इनको ये अपनी राजनीति चमकानी थी इन्होंने जो कर दिया आज भी बालक 150+ बालक जेल में ये उन बालकों से पूछे उनके घर पे जाके पूछे इनके जज्बात में आके पब्लिक भड़क गई उन्होंने अपने घर बर्बाद कर लिए ये तो अपने जेल में से इसकी तो जमानत हो गई उन बंदों की आज तक जमानत नहीं हुई बच्चों की ये भी तो राजनीति है फिर अब की बार इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए मतलब नहीं मम्मन को नहीं मिलना चाहिए किसी को मिल जाए हाँ भाई साहब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए टिकट एक जमीनी लेवल पर आज तक कोई काम नहीं है मम्मन का जमीनी लेवल पे एक काम बता दो मैं शर्त लगा सकता हूँ या एक भी काम बिरादरी लेवल पे इसने हर काम पार्टी लेवल पे काम मारा है अच्छा मतलब गांव-गांव पार्टी बना दी हर गांव में पार्टी और लड़ाई झगड़ा किसने कराया मम्मन अगर इन्होंने 5 साल में एक भी काई बिरादरी लेवल पे बैठ के काम का मसला सुलझाया हो किसी भी बहन बेटी का या आपस का भाईचारा का कोई भी भाई बहन की लड़ाई को भी कोर्ट कचहरी में खींच भाई जो
किसी चीज का मुख्य बन जाता है, गांव का चाहे सरपंच हो या हमारा एमएलए हो। पहला उसका मसला होता है कि अगर कोई मामला होगा तो उसको भाई बिरादरी में बैठकर सुलझाया जाए। चलिए हाँ जी भाई साहब, हम जो कांग्रेस का टिकट लेकर आएगा उसको वोट देंगे। कांग्रेस का टिकट, कांग्रेस के टिकट के लिए तो हबीब भी कह रहे हैं, जो भी लेकर आएगा, जो भी लेकर आएगा उसको वोट देंगे। मम्मन को वोट नहीं करेंगे आप? कांग्रेस के, कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे जी। जो कांग्रेस को वोट लेकर आएगा टिकट उसी को वोट करेंगे। अच्छा, तो मम्मन आ जाए तो कोई भी आ जाए, लेकिन ये कह रहे टिकट कटना चाहिए, कट जाएगा तो हाँ जिसको आ जाएगा उसको दे देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे यहाँ तो। अच्छा, और कांग्रेस की सरकार नहीं बनी फिर आप लोग कहोगे काम नहीं हो रहा है? नहीं, अल्लाह को काम तो होगा जब कांग्रेस सरकार है। सरकार तो कांग्रेस सरकार की आ जाए तो काम भी होंगे, पक्की बात है। हाँ, तो ये बताओ कि मम्मन ने काम कराए कि नहीं कराए? कुछ भी ना करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। कैसे नहीं करवाया? एक कोई नल भी नहीं लगवाए यहाँ पे, ले नल तो लगवा दे किसी के बंदे के लिए, कोई बहुत गरीब घर के लिए एक आध नल भी लगवा दे आदमी, कोटा में इनके थोड़ा बहुत तो पैसा मिलता होगा ना, कि गांव में एक आध नल भी लगवा देता जब भी हम मान लेते हैं। ये बताओ जनता के बीच में गांव में आते कि नहीं आते मम्मन? नहीं, अभी तक तो कोई कभी नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, बसी खजाना में नहीं आया? हमने तो नहीं देखा है कभी भी। अच्छा, हाँ जी, तो इसलिए नाराज है आप लोग? बिल्कुल नाराज है। अभी तक उसने ना कोई टंकी दरवाई बिजली की, ना कोई नल लगवाया है, ना कोई पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए कोई पौधा सारा जैसे बंदा लगवा देते हैं टंकी वंकी वगैरह पानी पी ले। यहाँ पे हमारा मदरसा है, बच्चा आता है इधर उधर डोलते फिरते हैं यहाँ पे, कोई ऐसा भी नहीं पानी के लिए टंकी लगवा दे। लेकिन लोग तो ये बोलते हैं चाहे टिकट मिले चाहे मत मिले, मम्मन खा नहीं पा रहे इधर से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, टिकट को वोट मिलेगी, टिकट को वोट मिलेगी। ए भाई साहब, ऐसे ही मम्मन को वोट है टिकट को वोट है? बिल्कुल टिकट, टिकट को, टिकट को। भाई साहब जी, हाँ, किसको वोट जा रहा है? हम तो कांग्रेस टिकट को वोट देंगे। हाँ, मतलब कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं आप लोगों को, किसी को टिकट मिल जाए। लेकिन जो पब्लिक बोल रही है कि भाई हमारा तो टिकट ही मम्मन है, वो नहीं, ये गलत है। माय बाप थोड़ी ना, मम्मन टिकट किसी को मिल सकता है? कोई मम्मन रोज धुड़ दे रहा किसी को? लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा कोई नेता नहीं है जिस तरीके से मम्मन आवाज उठाता है, कोई नेता ऐसा नहीं है। जब जो जो नेता जाता सब आवाज उठाता है, जब आज इसको मौका मिला कल दूसरे को मिला वो भी आवाज उठाएगा। हाँ, ये थोड़ी बात है, ये भी आवाज उठा रहा है। अच्छा, तो फिर टिकट किसको मिलना चाहिए, चलिए वो बता दो। टिकट किसी को मिल जाए ये नहीं भाई, हम तो किसी को मिले, हबीब को मिले, नेहा बंसल है, नेहा मानिकड़ा की है, किसी को मिल जाए उसको। अच्छा अच्छा, किसको मिलना चाहिए टिकट? है भाई काय को मिल जाए, मुंह खा ले वोट तो डालेंगे। वोट तो डालेंगे, जो बढ़िया कैंडिडेट हो वो डाल देंगे। कौन है बढ़िया कैंडिडेट? मैं मम्मा ने, ये तो दबी निवाज पढ़ रहा हूँ, मम्मा ने नसीम है और कोई है ही ना। हाँ, दो ही बनेंगे, नसीम बनेंगे मम्मा। अच्छा बताओ, अगर टिकट कट गया तो किसका? मम्मन खान का। नसीम को मिलेगा, नसीम बनेगा। नसीम तो अगर बीजेपी टिकट दे रहा है तो बीजेपी को बन जाए, क्या दिक्कत है? अच्छा, तो मम्मन हार जाएगा? हार जाएगा मम्मन, कोई दादा ही लाई है कही? कैसे भाई दादा ही लाई ना काई की भी। हाँ, जो बढ़िया काम करेगा वो वोट मिलेंगे, पब्लिक वोट देगी। पब्लिक ये करी, टिकट विकेट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने कैंडिडेट से मतलब है। ना, 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 तो रोज वो झरका से किसी यानी की कोई भी टक्कर में नहीं मम्मन के। वो बात तो सही है जी, मम्मन तो देखा ऐसा लीडर है, कहेगा दुख में भी सुख में भी सब तरह हाजिर रहे। ये तो करे आवे ना ही ना, सब आवे सब भाई साहब। आप लोग तो नहीं देखा जी, यहाँ नहीं देखा नहीं घर जावे जी आपके। वो तो ऐसा ही गांव में ऐसे पकड़ रखे हैं, जैसे आदमी बता लो हमारे घर आओ, इनके घर आओ, ये सामना ना कर रहे हैं। मतलब आप सुनो जी, ये पहाड़ में रहता है, इसके पास गया होगा पहाड़ में, हमारे एक गांव छोड़ के पहाड़ में गया होगा। अच्छा, ये वहाँ पे रहता है, गांव में नहीं आता है? नहीं, गांव में नहीं आता भाई साहब। भाई देख, पता कर ये तो नया अब चाइन की दोस्त का वोट भी ना हुआ अभी। अरे वोट नहीं, इसकी उम्र कितनी होगी? और ना हुआ नहीं, उम्र कितनी होगी इसकी? देख मम्मन को तो ना बात कर रहा, पब्लिक तो ऐसे छाई पड़ी है, मम्मन तो टिकट मिलेगा जब भी, ना मिलेगा जब भी, आपकी बार तो विधायक मम्मन बनेगा झिरका से। फिर ये बताओ, फिर आप ही आपने तो बोला भाई कि जिसके पास कांग्रेस टिकट वो जीतेगा। ये पब्लिक के साथ साथ चलो पड़ो, नहीं सब बकवास है, झिरका से मम्मन बनेगा, मम्मन बनेगा, चाहे टिकट मिले मत मिले, कोई मतलब। अच्छा, कोई खास वजह? खास वजह यही, हर आदमी के दुख सुख में रहे। और कोई खास काम करो कि दे भाई? हाँ, काम तो ना करो, बात तेरी सही है, लेकिन सरकार ना काम कहाँ से करे? ये तो ऐसी सरकार बहन कब तक चलेंगे? 20 साल हो गए, हमने 15 साल हो गया चीफ देख देख तक मेरी सरकार। कांग्रेस की सरकार आ जाए, मम्मन पूरी मेवा चमका देगो, और क्या करे वो, काम करे जितना भी सरकार आएगी सही, और अंदर करवा देगो
जबकि रही सही और अंदर करवा देगा बोल रहा है कि पब्लिक अगर बना दिया दोबारा तो रही सही सब अंदर में सो छोड़े ना पार्टी लेवल सो हर आदमी धसाएगा पार्टी तो अभी एक बात बस सरकार में पार्टी आम से का है तेरो कहीं बिरादरी में मसला सुलझ जाएगा मम्मन कहीं भी काय को बिरादरी में हिमियाबाद में झगड़ो आपस में ना हो काय को गाँव में पार्टियां तो बनती है तो पार्टी बना सरपंच जी को ऐसे ना बना सरपंच जी की पार्टी रहा ऊपर विधायक इलेक्शन हो कोई पार्टी ना अच्छा गाँव में पार्टी नहीं है ये सुनो पक्की पार्टी है मेरी बात ये तो ना ये सब काय का गीत गावा वोटे होने देंगे जहाँ देनी है जहाँ हम बुजुर्ग कहेंगे वोट देंगे ना अपना चल बिल्कुल ना चल भाई हमारे साथ हूँ देखो जहाँ हम कहेंगे चल के दिखाते हैं आपके टेढ़े थोड़े से काई की ब्याह शादी वो वाम आवे काई की मौत जहमत वो वाम आवे रोटी खान लो आवे टिकट काम करने कुछ आवे ना वैसे कोई काम हुए वाम आवे एक निकल के जा रहे हो दो सलाम करके जा रहे हो और एक बार आप मिल गो ना एक बार आप मिल गो तो दोबारा आपको नाम लेके बोलेगो इतने की अरदास थी वहां के अब नोबा तो कोई लीडर है सोई इलियास बुत्तर दिन आज तक बिना करो इस काम तो हमारे को काम करा रहा हूँ अपना हल्के काम करा रहा हूँ वैसे ये ना है भाई हर आदमी जानकारी होगी भाई आप दो सलाम है आपके दुख सुख में हाजिर रहे तो जान रहा हूँ मम्मन तेरे लेकर सट्टे दुनिया जान रहा हूँ मैंने फोन ना करो तीसरे दिन आयो तीसरे दिन आयो पहुंचो पहाड़ी वाल में रहूं मैं पहुंचो तेजिया में जो भी कुछ है चलो चलो कोई बात नहीं ये हमारे साथ में है कांग्रेस के समर्थक इसके अलावा कुछ लोग विधायक मामन खान के ऊपर नाराजगी भी जता रहे हैं उनके नाराजगी की वजह यह है कि कहीं ना कहीं हमारे गांव में हमारे इलाके में कोई कार्य नहीं हुए विकास कार्य लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि वो कौम के हित के लिए बोलते हैं और हमेशा अपने लोग के लिए खड़े रहते हैं। हालांकि देखना ये होगा कि अगर कांग्रेस का टिकट बदला जाता है या फिर कांग्रेस का टिकट विधायक मामन खान को दिया जाता है तो फिर समीकरण क्या कुछ रहेंगे ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।